देश में गर्मी पूरे शबाब पर है और इस गर्मी की धमक यूपी की सियासत से निकल बिहार पहुंच गई है। अब लू के थपेड़ों के जरिए चुनावी पैटर्न पर सवाल उठाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता ईवीएम पर तंज लू के बहाने कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की सियासत के युवा किरदार तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा है कि सुना है कि ईवीएम को लू लग गई है, हे भगवान, अभी तो बहुतों चुनाव बाकी है, बार बार क्यों कष्ट दे रहे हैं बेचारे ईवीएम को, तड़पा तड़पा के मारने से अच्छा है एक ही झटके क्यों नहीं उठा लेते। तो तेज प्रताप यादव की बड़ी दीदी मीसा भारती ने भी लू के जरिए ईवीएम पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब तक ईसी बोलती रही कि ईवीएम अजर अमर है, पर सुबह 8 बजे ही इसे लू लग गई। दोपहर की गर्मी में डायरिया हो जाता तो बेतहाशा भगवा रंग की पर्चियां उगलने लगता। दरअसल बीते 28 मई देश में कई जगहों पर उपचुनाव हुए, जिसमें कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें सामने आई, जिसको लेकर विरोधी पार्टी के नेता गजब का तंज कसते दिख रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा था कि आज कहा जा रहा है कि गर्मी के कारण ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है, कल कहेंगे बारिश और ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग जनता को लाइन में खड़ा रखकर अपनी सत्ता की हनक दिखाना चाहते हैं। हम पेपर बैलेट वोटिंग की मांग को एक बार फिर दोहराते हैं। 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ देश के नक्शे पर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रही हैं और देश को फिर बैलेट वोटिंग की तरफ मोड़ने की मांग कर रहे हैं, इस बार भी यही हुआ। देश भर में कई जगहों पर उपचुनाव हुए तो विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने ईवीएम पर फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया। लाइव सीरीज के लिए देवांशु प्रभात की रिपोर्ट।